प्रणाम। लोग बड़ा कहिंदे सी भी बाबा खानी कित्थे चलिया गया। मैं बीरो किते नहीं सी गया, मैं अपनी तैयारी करदा सी, क्योंकि मैंने 10 गल्लां कहियां सीगियां जिन्हां नूं तुसीं भविखबाणियां दा रूप दिता, पर वो मेरे अपने ओपीनियन सी, मेरा वो तजर्बा सीगा। उहदे विच्चों एक ओपीनियन जिहड़ा मेरा गलत निकलिया कि सरकार आ जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी बन गई आ। मैं आम आदमी पार्टी ने इतने बधाइयां नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वो सच तो अज तुहानू जाणू करवाउणा चाहुंदा जिहड़ा सच सरकार बनन तो बाद जदों मैनू पता लग्गिया वी इह गल किवें हो सकदी आ, वी एडे एडे चेहरे जिहड़े ने उह किवें हार सकदे ने। फिर मैंने पंजाब दे नहीं बल्कि हिंदुस्तान दे बड़े बुद्धिजीवियां नू मैं मिलिया, उन्होंने मैनू जो गल्लां कहियां वी तुसीं जी सारियां नूं भी मैं बेनती इह करदा वी जिहड़ी इह वीडियो होणी है, इह वीडियो एक पढ़िया लिखिया इंसान ते बुद्धिजीवी समझ सकदा, बाकी जिन्हें कोई गाली गचो गलोच करना उन्हूं मैं रोक नहीं सकदा। पूरी वीडियो तुसीं वेखणी अज्ज एक नहीं घट्टो घट 10 पत्रकार आए हुए ने, 20 मिंटां दे विच मैं तुहानूं इह दसूंगा भी किवें सरकारां जितदियां ने, कित्थों किहड़ियां शक्तियां इन्हां नूं चलाउंदियां ने। आपां जिहड़ा कपड़ा खरीददे आं, हथियार खरीददे आं, नशा जिन्ना भी जिन्ने भी बिजनेस ने बॉलीवुड हॉलीवुड पोर्न इंडस्ट्री इन्हां सारिआं दा पैसा कित्थे जांदा, आपां किन्नां दे गुलाम हैं, किहड़ियां शक्तियां आपां नूं गुलाम रखणा चाहुंदियां ने। ते हुण जिहड़ियां इलैक्शनां होईआं ने उहदे विच की होया इह मैं तुहानूं वीडियो दे विच वाइट बोर्ड ते दसूंगा जिन्ना कि मैनूं अपना पता है। जिहड़ा मैं पहला गल्लां करदा सीगा इलैक्शनां तो पहला, वह मैंने केवल पंजाब की पॉलिटिक्स पढ़ी सी, मैंने उदों वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं सी पढ़ी। हुण मैंने जिहड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड रेवोल्यूशन है, एक वह धिरां ने जिहड़ियां पूरी दुनिया नूं जिहड़े गुलाम रखना चाहुंदे ने, यहूदी मत जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ, जिद्दां अपने देश दे विच मैं तुहानूं समझाउणा, सारे इधर आ जाओ। एक मेरी कमेंट करने वाले वीरां नूं बेनती है, जिन्ना चिर मैं अपना ये जिहड़ा पीरियड है पूरा नहीं कर लैंदा उन्ना चिर तुसीं कोई कमेंट नहीं करना, उस तो बाद तुसीं तर्क दे नाल सवाल चकना ते मैं तर्क दे नाल तुहानूं जवाब देवांगा। बाकी ये वीडियो बुद्धिजीवियां ते पढ़े लिखे लोगों लई आ जिन्हां ने न्यू वर्ल्ड रेवोल्यूशन पढ़िया, जां जिन्हां ने नहीं पढ़िया तो समझना चाहुंदे ने कित्थों ये सरकारां बणदियां ने, कौन इन्हां नूं चलाउंदा है, पिछे कौन हुंदा, वो सारी चीज़ मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच दसांगा। आ देखो जी, ये अपना हिंदुस्तान, अज हिंदुस्तान दे विच मौजूदा जिहड़ी हिंदुस्तान की शक्ति है जिहड़ी इहनू चला रही है, पहला कांग्रेस सी पर हुण जिस दिन दा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनिया है उस दिन तो इहनू जिहड़ी RSS ये जिहड़ी संगठन है, ये जिहड़ी शक्ति है, इस समय अपना पूरा हिंदुस्तान RSS दे अधीन जिहड़ा चल रहा है। इस तो बिना मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा वी जिद्दां कि अपनी इंडिया की एजेंसियां रा, पाकिस्तान की गुप्त एजेंसियां ने ISI मुसाक इजराइल दिया, इस तरह जिहड़ी यहूदी मत है ये जिहड़ी यहूदी ने इन्हां दा एक संस्था आपां इहनूं कह सकते हैं जां इन्हां दी एजेंसी कह सकते हैं जिहनूं आपां इल्यूमिनाटी कह दिंदे आ, इल्यूमिनाटी शायद मैं स्पैलिंग जां बोलण च मैनूं मिस्टेक हो सकती है, इल्यूमिनाटी है वह लोग ने जो एक राक्षस की पूजा करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, राजाल जिन्हों कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आपां नूं पता लगता है। मैं उस गल दे विच नहीं जावांगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है। हुण जिहड़ी आ चीज़ है यहूदी ये वो लोग ने जिहड़े ईसाइयां दे विचों एक पासे हो गए सीगे, शुरू तो लैके कदे फिर दसांगे भी धर्म किवें बने, किहड़ा धर्म किवें बणिया, किहड़ा धर्म किवें होंद च आया, वह गल्लां बाद च करांगे। आपां केवल अज ये गल करनी है भी किहड़ियां ताकतां आपां नूं गुलाम रखना चाहुंदियां ने ते इलैक्शनां दे विच की हुंदा।
जिहड़ी आ यहूदी मत है इन्हां दी जिहड़ी इह संगठन इल्यूमिनाटी जिहदे विच दुनिया दे सब तो अमीर बंदे पूरे वर्ल्ड दे सब तो अमीर बंदे जानी के 100 ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 100 ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ठीक है जी ये पंजाब है ये जिहड़ी यहूदी मत है जां इल्यूमिनाटी आ ये इन्नी अमीर किवें बनी आ क्योंकि जे सब तो वध पैसा हथियारां दे बिजनेस च बनदा है हथियारां दा बिजनेस भी इन्हां दा उस तो बाद फैशन इंडस्ट्री कपड़े का बिजनेस भी इन्हां दा उस तो बाद पोर्न इंडस्ट्री सब तो वध पैसा जिहदे ओह भी इन्हां दा हॉलीवुड बॉलीवुड पॉलीवुड जिन्ना भी टीवी मीडिया उस तो बिना जिन्ना भी कारां दा गड्डियां दा उस तो बिना जिन्ना भी अपना एवरी मतलब के 100 दे विच्चों 99 बिजनेस ने जिहड़े उन्हां सारिआं दा पैसा एंड ते जाके इल्यूमिनाटियां कोल जांदा यहूदियां कोल जांदा है। हुण जिहड़ी इन्हां दा न्यू वर्ल्ड रेवोल्यूशन आ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ उह की कहिंदा मैं उह तुहानूं दसदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जिहड़ा उह सारे देशों को गुलाम रखना चाहता है। अपा पुराने समय की गल करते हैं इतने अज आप भगवंत मान ने केजरीवाल के पैर हाथ लाए थे जेडे वो क्यों लाए थे क्योंकि जो सत्कार करना होंगे तो वीडियो बनाने की लड़ नहीं होंगी मेरे भी आके लोग गोडी हाथ लाने पर मैं कोई उन्होंने वीडियो बना के नैट पर नहीं पाँगा वो क्यों लाए ने वो सारा कुछ तुम्हें दसागे तुम धीरज के नाल सबर के नाल सुनना है। महाराजा रणजीत सिंह वेले जिहड़ा इह पंजाब सीगा इह महाराजा रणजीत सिंह वेले इह इक आजाद देश सीगा पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वेले महाराजा रणजीत सिंह उह राजा सी पंजाब दा जिहदे उपर कोई भी काबज धिर नहीं सी किसी का वह गुलाम नहीं सी उहदा कोई बॉस नहीं सी ता ही अज दुनिया दे विच उहदा राज आ जिहड़ा एक नंबर ते मन्निया जांदा है। पिछे जे मेरी वीडियो भी कट के पाई सी मैं महाराजा रणजीत सिंह दी तारीफ कीती सी पर उहनां चों किसी ने अद्धी वीडियो कट के पा दित्ती मैं उहदे विच कहा सी वी महाराजा रणजीत सिंह दे राज नूं लोकी तां याद करदे आ उहदे राज दे विच किसी धर्म की बेअदबी नहीं होई उहदे राज दे विच किसी भी धी भैण दा रेप नहीं होया उहदे राज दे विच किसी भी बेगुनाह नूं फांसी नहीं हुई उहदे राज दे विच कोई भी दंगा नहीं होया मेरे हिसाब दे नाल 8% उदों सिखां दी गिणती सीगी पर उह महाराजा रणजीत सिंह वेखो राजियां नूं इह शौक हुंदे आ कोई उह अपने गुरु साहिबान जां साधु संत फकीर नहीं सी उह राजे सी पर महाराज जिवें कहिंदे राज बिना ना धर्म चले है धर्म बिना सब दले मले हैं। महाराजा रणजीत सिंह दे विच धर्म प्रधान सीगा अकाल तख्त नूं समर्पित सीगे भावें महाराजा रणजीत सिंह शौकीन सीगे शराब पीण दे भी अफीम खाण दे भी इत्थों इह सिद्ध हुंदा है कि खाण पीण दे नाल जे भगवंत मान शराब पींदा है असीं उस गल की निंदिया नहीं करदे कोई गल नहीं पर किसी का गुलाम रहना वह वक्री गल है। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ
1947 तो बाद जिन्हें भी पंजाब के मुख्य मंत्री हुए हैं उन्हें सारे लोग गालां कढ़दे आ। उहदा कारण ने उहदा कारण यह है कि महाराजा रणजीत सिंह का कोई बॉस नहीं सी। 1947 तो बाद जिन्हें भी पंजाब के मुख्य मंत्री बने, चाहे कैप्टन साहब, चाहे वह मुख बेअंत सिंह, चाहे वह बादल साहब, चाहे वह किन्ने भी जिन्हें भी हाइब्रिड जिन्हें भी मुख्य मंत्री बने, वह हिंदुस्तान के गुलाम सी ते उन्होंने सानू गुलामी च रखिया। हुण पंजाब है जिहड़ा 1947 तो हिंदुस्तान का गुलाम है, ठीक है जी। अगे हिंदुस्तान नुक्की का गुलाम है RSS का, जिहड़ी RSS है वह किन्हां दी गुलाम है, आ यहूदियों की, जिहड़ी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स कहती है। जे अलूमीनाती जिहड़े यहूदियों का संगठन है उत्थे RSS इस तरह मनी जाती है जिदा अपने घर एक पोचा लाने वाली आई हो। उत्थे हैसियत है अपने देश की, जो ये लोग चाहते ने यहूदी तो अलूमीनाटी चाहते ने उही देश दे विच होवेगा। हुण की होया अपन गल करते हैं इलेक्शन की। पंजाब दे विच वोटां पईआं, ठीक है जी, नाल पांच चार स्टेटां दे विच होर वोटां पईआं, चार राज ते एक पंजाब। चारां दे विच BJP जित गई, कोई शक नहीं BJP जित गई। पंजाब दे विच आप जीती है, ये किवें जीती है, क्यों जीती है, वह मैं तुहानूं दस दां। जिहड़ी RSS है इहदी ए टीम है BJP, बी टीम इहदी कोई नहीं सी, ए टीम सी। जिहड़ी कांग्रेस है ये धर्म निरपक्ष पार्टी सी, हालांकि कांग्रेस ने बड़े जुल्म किए सिखा ते, साडे गुरद्वारे ढाए, बेशक सानू ये परवाह नहीं, पर RSS दियां जड़ां दे विच तेल पाउण वाली जड़ां, मतलब बेड़ियां च बट्टे पाउण वाली कांग्रेस है। हुण RSS दा जिहड़ा एजेंडा सीगा भी जिन्नियां ताकतवर धिरां ने देश दे विच कांग्रेस नू खत्म किया जाए, उत्थों दियां रवायती पार्टियां ने जिहड़ियां उन्हां नू खत्म किया जाए। मैं जिद्दां तुहानू समझाउणा, मन लो मैं एक संस्था ते मेरे पिंड दे विच सरपंच आ जिहड़ा वह मेरा बंदा है, और उहदे उल्ट जिहड़ा दूसरा बंदा है वह मन लो मेरा दुश्मन है, वह मेरी गल नहीं मनदा। हुण जां तां मेरा दुश्मन सरपंच बन सकदा जां फिर मेरा अपना बन सकदा। हुण मैं की कीता, मैं अपने वाले बंदे नू साइड ते कढ़ के एक पिंड दे विच्चों होर बंदा फड़ के सारा जोर जिहड़ा उहदे ते लाया, तां कि लोकां नू इह ना होवे भी RSS है जिहड़ी अपने बंदिआं नू जिता रही आ, उहने अपनी बी टीम नू खड़ा करके उहनू जिता के बाकियां दा जिहड़ा बोरिया बिस्तरा साफ करता। वीर जी सानू भी सीगा ऐसी आप दी लहर सी, पर इन्नी लहर नहीं सी भी 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार ते लीड हो जाए। मैं नहीं कदे देखे जिन्हां ने समाज सेवी आपां भी ऐसी कोई गल नहीं, सारा दिन लगे हैं जिन्हें सुखबीर बादल हराया, जां फिर जिन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू री मजीठ हराया, जीवनजोत कौर, तुसीं मैनूं पत्रकारों दस दिओ तुसीं देखिया कदे जीवनजोत कौर वर्गे जां गोल्ड जिहड़ा सुखबीर बादल हराया, जिन भी बहुत वड्डा उहनां दा नाम सी, जां उह समाज सेवा करदे सी, किसे कोई जाणदा सी इहनां नूं, नहीं जाणदा सी। अज भी तुसीं प्रैक्टिकल कर लो, जे ज़्यादा नहीं तो मैं इतने अज किसी भी पक्ष नहीं करता, क्योंकि जिहड़ा वो जिन्नी का अपन पढ़ाई हुंदी है बंदा उन्नी के गल करता। 1947 तो बाद आपां गुलाम है, बादल साहब वेले भी गुलाम सी, कैप्टन साहब वेले भी गुलाम सी, आपां हिंदुस्तान के गुलाम अज भी हैं, सगों वह गुलामी की जंजीर आ जिहड़ी वह अगे नालों मजबूत हो चुकी है। नवी सरकार आने करके नवे छित्र आए ने, नवे छित्र आने करके लोगों को चाओ है बजने अपने सिर के विच ही हैं। हुण मेरी गल ध्यान ना वेखियो, RSS ने अपनी बी टीम आप नूं तां जिताया कि जे असी पंजाब चार राज्यां च BJP जित गई, जे असी पंजाब दे विच भी BJP जिताउंदे तां जिहड़े आ यहूदी मत आ इलूमीनाटी आ RSS है इन्हां नूं सब तों वड्डा खतरा है संघर्ष तो अंदोलन तो, क्योंकि जे एक बार अंदोलन हो गया
ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਹੈ, RSS ਆ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।